दोस्तों, यह साल यानी कि 2020 सभी लोगों के लिए लगभग बहुत ही ज़्यादा दुखदायी रहा है। वैसे गरीब तो बेचारा हर साल पिसता है, चाहे वो कोई भी साल हो, लेकिन साल 2020 में आम लोगों के साथ साथ देश दुनिया की एक से एक बड़ी हस्तियों का भी बुरा हाल हो गया। और इस साल पूरी देश दुनिया में आम लोगों की मौत का आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बाहर हो चुका है, लेकिन आम लोगों की मौत के साथ साथ इस देश दुनिया की एक से एक महान हस्तियों की भी मौत के आंकड़े कुछ खास कम नहीं है। तो हेलो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे हमारी इस देश दुनिया की एक से एक महान हस्तियों की मौत के आंकड़ों के बारे में, जिन्होंने इस साल यानी कि साल 2020 में हमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो इसलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए इधर उधर से ध्यान हटाओ और नज़र डालो हमारी वीडियो पर। दोस्तों, कोबी ब्रायंट। दोस्तों, कोबी का जन्म 23 अगस्त 1978 में यूएस में हुआ था। ये एक अमेरिकन पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए में लॉस एंजलिस की तरफ से शूटिंग गार्ड के रूप में खेला करते थे। लेकिन इसी साल 26 जनवरी को एक हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान इनकी और इनकी 13 साल की लड़की की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। रॉकी जॉनसन, शायद आप इनको ना पहचान पा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि रॉकी जॉनसन द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन के पिता श्री हैं, और ये भी द रॉक जैसे ही एक खूनखान WWE रेसलर थे, जिस तरह द रॉक अपने भारी भरकम शरीर और एक बेहतरीन रेसलिंग की वजह से जाने जाते हैं, उसी तरीके से इनके पिता रॉकी जॉनसन भी एक बेहतरीन सुपर स्टार रेसलर में से एक थे। पर 15 जनवरी 2020 में अपनी आखिरी सांसें लेकर इन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिनकी मृत्यु के बाद पूरा भारत एक बहुत ही गहरे शोक में चला गया था, और इनकी मृत्यु पूरे भारतवासियों के लिए एक अविश्वसनीय बात थी। लोगों को यकीन तक नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 में बिहार के पटना जिले में हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के एक बहुत ही होनहार उभरते हुए सितारे थे। उन्होंने मात्र 34 वर्ष की आयु में बहुत ही नाम और बहुत ही फेम कमा लिया था, लेकिन 14 जून 2020 को पता नहीं क्यों डिप्रेशन का शिकार होने के बाद उन्होंने मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली थी। चैडविक बोसमैन। दोस्तों, अगर आप मार्वल मूवी के फैन हैं तो चैडविक बोसमैन का फेमस कैरेक्टर ब्लैक पैंथर का किरदार तो आपके सर चढ़ के बोलता होगा। चैडविक बोसमैन हॉलीवुड मूवी के एक बहुत ही जाने माने और एक बहुत ही चर्चित अभिनेता थे। इनका जन्म 29 नवंबर 1976 को यूएस में हुआ था। इन्होंने मार्वल्स स्टूडियो के साथ मिलकर पूरी दुनिया में बहुत ही नाम कमाया था, लेकिन अपने शरीर में कोलन कैंसर की 4 साल की लड़ाई के बाद इन्होंने इसी साल 28 अगस्त 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। केनी रोजर्स। अगर हम केनी रोजर्स की बात करें तो केनी रोजर्स अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने लेजेंड सिंगर हैं। केनी का जन्म 21 अगस्त 1938 में यूएस में हुआ था। केनी रोजर्स अपने मशहूर गानों की वजह से पूरी दुनिया भर में फेमस थे। उन्होंने कम से कम 6 दशक तक गाने गा के लोगों को बहुत ही ज़्यादा मनमोहित किया था। इनकी गिनती दुनिया के बहुत ही महान सिंगरों में होती है। और इतना ही नहीं, केनी रोजर्स को 3 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ बात है। उन्हें अपनी कंट्री का म्यूजिक आइकन भी बोला जाता है, लेकिन 20 मार्च 2020 को एक बीमारी के चलते इनका भी निधन हो चुका है। स्टीव ली। दोस्तों, अगर आप WWE रेसलिंग देखने के बहुत बड़े शौकीन हैं तो कभी न कभी आपने रेसलिंग में स्टीव ली को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। स्टीव ली एक छोटे कद के बहुत ही मज़ेदार रेसलर थे। स्टीव ली रेसलर होने के साथ साथ कॉमेडी मूवी में भी काम करते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कम से कम 7 हॉलीवुड मूवी में काम किया है, लेकिन 9 सितंबर 2020 को इन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह के इस दुनिया से चले गए हैं। इरफान खान। दोस्तों, इरफान खान बॉलीवुड की एक ऐसी जानी मानी बॉलीवुड हस्ती थी जिनको लोग उनके सीरियस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनका जन्म 7 जनवरी 1967 में राजस्थान में हुआ था। इरफान खान ने बॉलीवुड में एक से एक बड़ी सुपरहिट मूवी में काम किया, और इतना ही नहीं, इरफान खान ने हॉलीवुड मूवी अमेजिंग स्पाइडरमैन नामक मूवी में एक बहुत ही दमदार कैरेक्टर भी निभा चुके हैं। साल 2011 में इरफान खान को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और साल 2020 में इरफान खान की मूवी अंग्रेजी मीडियम उनकी ज़िंदगी की आखिरी मूवी रही, और उसके बाद इसी साल 29 अप्रैल 2020 को कैंसर की वजह से इनकी भी मौत हो गई। मैक्स वॉन सिडो। दोस्तों, शायद आप इनको इनके नाम से ना पहचान पा रहे हो, तो मैं आपको इनसे रूबरू करवा दूं कि आपने मैक्स को अमेरिका का एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो गेम्स ऑफ थ्रोन्स में जरूर देखा होगा। मैक्स का जन्म
10 अप्रैल 1929 में स्वीडन में हुआ था। मैक्स फ्रांस के एक बहुत ही जाने माने और एक बहुत ही चर्चित फ्रांसीसी अभिनेता थे। इन्होंने अपनी लाइफ में एक से एक बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में लीड रोल के तौर पर काम किया, लेकिन इसी साल 8 मार्च 2020 में इनका भी निधन हो चुका है। क्लिफ रॉबिन्सन। क्लिफ रॉबिन्सन का जन्म 16 दिसंबर 1966 में अमेरिका में हुआ था। क्लिफ बास्केटबॉल गेम के एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ियों में से एक चुनिंदा खिलाड़ी थे। क्लिफ को साल 1994 में उनके बेहतरीन खेल की वजह से NBA ऑल स्टार नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1993 में NBA सिक्स मैन ऑफ द ईयर से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा साल 2000 और साल 2002 में दो बार NBA ऑल डिफेंडिव सेकेंड टीम नामक अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। और साल 2007 में क्लिफ ने बास्केटबॉल गेम से संन्यास ले लिया था। और हाल ही में 29 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया है और यह भी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। डियागो मारेडोना। दोस्तों, मारेडोना का नाम स्पोर्ट्स जगत से जुड़ा हर व्यक्ति लगभग जानता होगा। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1960 में हुआ था और यह एक अर्जेंटीना के एक भूतपूर्व प्लेयर थे और फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद ये अर्जेंटीना टीम के राष्ट्रीय प्रबंधक भी थे। मारेडोना को दुनिया का आज तक का सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन अभी हाल ही में 25 नवंबर 2020 को हार्ट अटैक के चलते इनका भी निधन हो चुका है और ये भी हमारी दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं। दोस्तों, ये तो थी दुनिया की वह महान हस्तियाँ जिनका निधन साल 2020 में हो चुका है, लेकिन अगर हम गूगल के मुताबिक बात करें तो पूरी हमारी देश दुनिया में कम से कम 121 हस्तियों की अभी तक जाने जा चुकी हैं। लेकिन अभी भी भाई 20 से 22 दिन पूरे साल खत्म होने को बाकी है और इस 22 से 20 दिनों में पूरी दुनिया में क्या से क्या हो जाए यह किसी को भी नहीं पता। तो यार, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि मैं अपने इस चैनल में एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो ला के आप सभी को इंटरटेन करता रहता हूँ।